मैं दीपक कनौजिया आपके विद्यालय रात के इंटर कॉलेज छरवा ब्लॉक सैंसपुर जिला देहरादून में कला विषय से संबंधित जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। जो छात्र छात्राएं कला विषय से अध्ययन कर रहे हैं, कला विषय से रोजगार करना चाहते हैं और उसको करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे सभी छात्र छात्राएं इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और किसी के मन में कोई सवाल भी आए उससे संबंधित तो पूछ सकता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे होंगे उससे संबंधित वो बात पूछेगा। तो आज हम कला विषय से जो रोजगार मिल सकता है केवल उसकी बात कर रहे हैं, जो सिर्फ कला विषय पर डिपेंड है। यहाँ मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात और भी बता दूँ, कला विषय की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यानी हम सबको आर्टिस्ट बनाना है। ना तो हम सबको आर्टिस्ट बना सकते हैं, ना सबको डॉक्टर और ना सबको इंजीनियर। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर किसी बच्चे में कला के विषय के प्रति रुचि है तो उसको वो इसलिए ना त्यागे कि यार इससे मेरा भविष्य क्या होगा यार। यानी रुचि है, जैसा भी हमने बताया था वहाँ, रुचि होना अनिवार्य है, यानी रुचि है, लेकिन अगर हमें उसका भविष्य के प्रति ना पता हो कि इसका भविष्य क्या बनेगा तो हम दिक्कत में आ जाएंगे यार, कैसे ले इस विषय को, भविष्य पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए जिस में रुचि है और उससे क्या हो उसका भविष्य बन सकता है इसको हम बता रहे हैं। यानी और एक चीज़ और ध्यान रखना, हर चीज़ को ना जान लेना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने। भाई आप कंप्यूटर सीखते हैं, सब जगह काम आता है। अब यहाँ कोई मैथ का टीचर होगा, उन्हें हिंदी भी तो पढ़ी होगी ना, ये सुना हिंदी छोड़ दी थी उन्हें, तो भले ही कुछ भी बने लाइफ में, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, तो जो भी हमें विषय दिया जाता है उसका अध्ययन हमें ले लेना चाहिए और जो भी जानकारी कहीं से दी जाती है उसको ले लेना चाहिए। कई डॉक्टर आपने देखा होगा बायोलॉजी में वो चित्र बनाते हैं, भले वो डॉक्टर बन गए, है ना, इंजीनियर बना हुआ, तो आजकल कंप्यूटर से भी इंजीनियरिंग होती है सारी, उसका कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ पर हुआ। तो ये मत सोचना कि मुझे डॉक्टर बनना है इससे क्या होगा, उस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट अवश्य होगा, ठीक है। तो आराम से समझना मेरी बात को। आर्ट टीचर सभी जानते हैं, तो सभी सरकारी स्कूल में, सभी प्राइवेट स्कूल में और सभी अशासकीय स्कूल में एक आर्ट टीचर की वैकेंसी, ठीक है, आर्ट टीचर की वैकेंसी होती है। तो आर्ट टीचर वैकेंसी दो टाइप की होती है, एक तो होती है TGT यानी टेंथ ग्रेजुएट टीचर, जो हाई स्कूल तक को पढ़ाते हैं उसको TGT बोलते हैं और कुछ राज्यों में उसे LT के नाम से जानते हैं। जो इंटर कॉलेज को पढ़ाने के लिए निकलती है उसको PGT बोलते हैं और उसको प्रवक्ता के नाम से भी जाना जाता है कुछ राज्यों में। और प्राइवेट स्कूल में इसके अतिरिक्त एक वैकेंसी और होती है जिसको प्राइमरी आर्ट टीचर बोलते हैं। अब आप ये देखो, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य में और पूरे भारत में कितने स्कूल हैं, यानी कितनी नौकरी है आर्ट विषय से डिग्री लेने के बाद, नौकरियों का भंडार है। ऐसा नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसा होते हैं कि आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप देखो ना कितने स्कूल हैं, हर गली मोहल्ले में आपको स्कूल मिलेंगे और हर स्कूल में आर्ट टीचर मिलेंगे, यानी उस विषय से लेने के बाद हम आर्ट के मिलते हैं। इसमें जो TGT बनते हैं उसके लिए आर्ट विषय से उन्हें ग्रेजुएशन कर रखा हो, जैसे BA बोलते हैं जिसको, और उसे TGT पर टीचर बनता है। और अगर उसे इंटर कॉलेज का टीचर बनना है तो उसके लिए उसको PGT करना पड़ता है, यानी MA करना पड़ता है, ड्राइंग विषय से, ड्राइंग विषय से, कला विषय से MA करना पड़ता है। यार बढ़िया चाहिए ला भाई, इसमें एक और अब आते हैं हम इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने डिग्री जो डिग्री कॉलेज होता है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अशासकीय डिग्री कॉलेज और प्राइवेट डिग्री कॉलेज में जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट होता है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है कि पहले हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और प्लस UGC नेट करना होता है हमको, यानी हमको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए ड्राइंग पेंटिंग विषय से और प्लस UGC नेट चाहिए अगर डिग्री कॉलेज में हमें प्रोफेसर बनना है। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए तो UGC नेट कंपलसरी है, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज है तो वह PhD वाला भी हो जाता है, यानी केवल PhD के आधार पर, वर्तमान में केवल PhD के आधार पर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिलेगी, UGC नेट कंपलसरी विषय है, तो UGC नेट करना अनिवार्य होता है। केवल PhD अगर किसी ने कर रखी, MA कर रखा प्लस PhD कर रखी, तो प्राइवेट डिग्री कॉलेज में लग सकता है या फिर टेम्परेरी बेस पर जो गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलती है उसमें लग सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी कॉलेज होते हैं, अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देहरादून में ही शुद्ध वाला चौक है, वहाँ पर है मनोवरा फाइन आर्ट कॉलेज, सुवार्ती का नाम सुना आपने,
सुवार्ती हॉस्पिटल है, सुवार्ती ने भी ड्राइंग पेंटिंग का कॉलेज खोल रखा है। तो सुवार्ती हॉस्पिटल खोलता है और एक टीचर क्या खोलता है, कॉलेज खोलता है केवल ड्राइंग पेंटिंग, ये सुवार्ती ने कर रखा है। मेरठ में भी उसने हॉस्पिटल खोल रखा है और ड्राइंग पेंटिंग का कॉलेज खोल रखा है। देहरादून में भी उसने खोल दिया है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ग्राफिक एरिया का नाम सुना है, ग्राफिक एरिया ने भी ड्राइंग पेंटिंग कॉलेज खोल दिया अपने यहाँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वहाँ निकलती है, उसके लिए मतलब हम ड्राइंग पेंटिंग से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उसमें ड्राइंग पेंटिंग और भी सब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे, जब आप पढ़ेंगे फाइन आर्ट में चित्रकला है, मूर्ति कला है, ग्राफिक कला है, अप्लाइड आर्ट और कई सारे सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। हाई स्कूल वगैरह पे हम कला विषय को जानते हैं तो उसी पर वो सब्जेक्ट बनते हैं और उससे हमें जॉब मिलती है। मैं दिल्ली की बात बता दूं, दिल्ली में कई डिग्री कॉलेज हैं जैसे यहाँ पर भी, और ड्राइंग के स्पेशल बहुत सारे 15-16 कॉलेज वहाँ अलग से हैं ड्राइंग के, जहाँ केवल ड्राइंग से ही ग्रेजुएशन दिलवाते हैं, मतलब इतने डिमांड है वहाँ पर दिल्ली में। अब मैं इसकी बात करूँगा, इसकी बात लैब असिस्टेंट जो डिग्री कॉलेज होता है उसमें फाइन आर्ट डिपार्टमेंट होता है, और फाइन आर्ट में आपने देखा होगा यहाँ साइंस की साइंस में होती है लैब असिस्टेंट, है ना, केमिस्ट्री लैब में होगा, बायोलॉजी लैब में होगा। तो ऐसी जो डिग्री कॉलेज होता है वहाँ पर जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, जिसने ड्राइंग पेंटिंग से कोर्स करता है वो बनेगा वहाँ लैब असिस्टेंट, वो वहाँ पर जॉब करता है। इस तरह से जो डिग्री कॉलेज होता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आसपास की है, प्राइवेट, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, ऐसे में लाइफ स्टैंड की वैकेंसी निकलती है। पर शर्त यह है कि ड्राइंग विषय से उसने आगे डिग्री, तो ड्राइंग मतलब मैंने बताया आपको ये फाइन आर्ट के विषय होते हैं, उसमें बहुत सारे होते हैं, मतलब सिर्फ ड्राइंग में मत जाना, ड्राइंग तो अभी 10th तक है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, स्कूल तो आपने सुन लिया टीचर बनते हैं, इसके अलावा 4 डिपार्टमेंट और होते हैं हर राज्य में, आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और सर्व ऑफ इंडिया, इसमें भी आर्ट की वैकेंसी होती है। जो लोग आर्ट से डिग्री लेते हैं वो लोग जाते हैं, जो हमारा आपने देखा होगा FRI है, आर्ट पद पोस्ट है इसमें आर्टिस्ट की, जो लोग आर्ट से BM करते हैं और डिग्री के लेते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। सर्व ऑफ इंडिया में वैकेंसी इसकी, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा, वहाँ पर भी आर्टिस्ट की वैकेंसी होती है और सर्व ऑफ इंडिया में भी होती है। और पुरातत्व विभाग सुना है आपने, वो वहाँ तो पूरा एक डिपार्टमेंट ही होता है आर्टिस्ट के ऊपर, क्योंकि पुरातत्व विभाग का काम होता है समय समय पर जगह जगह वो खुदाई करते हैं, वो प्राचीन चीज़ें मिलती हैं, मूर्ति और पेंटिंग और पुराने धातु की कुछ चीज़ें, बर्तन, तो उस पर क्या होता है आर्टिस्ट ही काम करता है, क्योंकि उस पर किस तरह से वो है प्राचीनता नष्ट ना हो, उसकी जो उसमें पूरा डिपार्टमेंट होता है जो ये देखता है किस तरह का काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया जैसे हम लोग पढ़ाई करने के बाद कोर्स करते है ना, जैसे मैथ से मान लो किसी ने कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद उसे जॉब करने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है, अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं, उसी तरह से जब ड्राइंग से डिग्री लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, उसी में एक कोर्स होता है आर्ट रेस्टोर। जैसे आपने देखा पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी इमारतें, ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना, और सारी प्राचीन इमारतें हैं, तो इनमें जैसे आपने देखा होगा कि जब मकान बनाते हैं मिस्त्री, जैसे दीवार गिर जाती है कोई तो मिस्त्री काम करता है उसके एक पत्थर लगाने के, सीमेंट लगाएगा, लेकिन जैसे जो पुरानी प्राचीन इमारतें हैं अगर वो उसमें कुछ दरार आ गई है तो उसको मिस्त्री ठीक नहीं करेगा, उसकी तो प्राचीनता नष्ट हो जाएगी, उसको एक आर्टिस्ट ठीक करेगा। उसके मान लो उसकी दीवार में कोई पेंटिंग बन रखी है तो अब वो दीवार थोड़ी फट गई है तो उसको एक आर्टिस्ट ठीक करेगा, समझ में। तो और जो भी पुरानी चीज़ें प्राचीन मिलती हैं मूर्तियाँ वगैरह उसमें आर्टिस्ट काम करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे भारत की कितनी इमारतें प्राचीन सभ्यता है, यानी काम की कोई कमी नहीं है, बहुत काम है। जैसे पढ़ाई करी उसके बाद उससे संबंधित हमें कोर्स करने पड़ते हैं, अलग अलग कोर्स होते हैं बहुत सारे। तो इस तरह पुरातत्व विभाग, आर्ट गैलरी, म्यूजियम सुना होगा आपने, तो उसमें भी इस तरह की वैकेंसी होती है, अगर आर्ट रेस्टो का कोर्स बोलते हैं उसको, आर्ट रेस्टो का कोर्स किया जाता है, ये भी मतलब जब हम आर्ट विषय से पढ़ाई करेंगे उसके बाद उसका हम कोर्स करेंगे, ये उस पर। आर्ट हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री से हम डिग्री लेते हैं तो उससे बाद क्या है, इसमें बहुत सारी जैसे हम हिस्ट्री से
जैसे मान लो हम पॉलिटिकल से डिग्री लेते हैं या उससे किसी लेते हैं, तो ऐसे ही हम आर्ट हिस्ट्री से डिग्री लेंगे। तो म्यूजियम में भी बहुत सारी वैकेंसी होती है, पुरातत्व विभाग में टीचिंग कर सकते हैं, एजुकेशन एंड पब्लिक प्रोग्राम ऑफिसर, आर्ट जर्नलिस्ट, आर्ट डीलर, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं इस तरह से म्यूजियम में, आर्ट गैलरी में, इस तरह से जगह जगह जो मिलती है सब जगह। कला एग्जीबिशन समझते हैं, कला प्रदर्शनी, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, दिल्ली में ही कम से कम 100 आर्ट गैलरी है, आप समझ सकते हैं कि एक शहर में ही इतनी गैलरी होना और लाखों पेंटिंग लगाई जाती है बेचने के लिए, बिक्री हेतु लगाई जाती है, केवल दिल्ली में 100 आर्ट गैलरी और प्रदर्शनी लगाई जाती है, बेचने के लिए लगाई जाती है। मैं आपको बता दूँ, इंडिया के जो टॉप आर्टिस्ट उनकी एक पेंटिंग कीमत 10 करोड़ रुपए होती है, 1,10,000 नहीं होती है। और 10 करोड़ का मतलब 10 करोड़, वो 9 करोड़ में नहीं बेचता पेंटिंग। क्या होता है, हर काम का अपना स्ट्रगल होता है, हर आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, हर आदमी मेहनत करता है। कुछ लोग 10,000 कमाते हैं, कुछ लोग 20,000 में बेचते हैं, कुछ लोग 50,000 में पहुँचते हैं, कुछ लोग लाख, कुछ लोग 5 लाख, और कुछ ऐसे होते हैं पूरे इंडिया में जो 2 करोड़ तक 10 करोड़ तक पहुँचते हैं, है ना। हर आदमी नहीं पहुँचता, लेकिन उसके लिए योग्यता होती है, मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ तक पहुँचते हैं। कहने का मतलब उसका एक कैरियर है जो यहाँ पर जाता है। और एक अच्छा फेमस आर्टिस्ट जब हम मुकाम में पहुँचता है, जैसे लोग हर लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, देखा होगा तुमने अपने मोहल्ले में, कुछ लोग 10-20 हज़ार की नौकरी भी करता है, कुछ छोटी नौकरी करते हैं, उसी जॉब से कोई 50,000, 60,000, 1 लाख की नौकरी करता है, कोई अच्छे पद पर जाता है, कोई बिजनेस करता है, तो कोई बिजनेस से 10,000 कमाता है, कोई 20 कमाता है। ऐसी अगर आर्ट में कामयाब होता है वो हाइस्ट, तो 50-100 करोड़ रुपये महीने के कमा लेता 50 करोड़। मतलब उतने उसकी सीढ़ी है कि वहाँ तक पहुँचने की है, कि अगर वो आर्ट में कामयाब होता है और वहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ तक इतना कमा सकता है वो महीने। इसलिए मूर्तिकला गुजरात में आपने अभी देखा होगा बहुत टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि माँ वल्लभ भाई पटेल जी की एक मूर्ति बनी थी, उसकी कीमत थी 3,000 करोड़। ये किसने लिए थे पैसे? आर्टिस्ट ने। वो मूर्ति किसने बनाई थी? एक आर्टिस्ट ने बनाई थी और उसने लिए थे 3,000 करोड़ रुपये लिए थे उस पेंटिंग में। इस तरह से मूर्ति का व्यवसाय बहुत विशाल है, ठीक है ना, बहुत विशाल है। आपने देखा चौराहों पर म्यूजियम में गैलरियाँ होती हैं, चौराहों पर वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और लगाई जाती हैं, धार्मिक स्थानों पर लगती है, पर्यटन स्थल पर लगती है। इस तरह का ये व्यवसाय भी अपने उन्नति को रुकती है। ये भी मूर्तियों की कला भी आर्ट पर ही डिपेंड है। मैंने बताया था आपको, जब आर्ट विषय पढ़ते हैं उसी के ये अलग अलग लाइन होती है कि कोई मूर्तिकला से करता है, फिर आगे जाके कोई कैसे अलग अलग करता है, उससे ग्राफिक, तो उससे अप्लाइड आर्ट है, तो अलग अलग उस पर टॉपिक है, लेकिन है वो डिपेंड सब आर्ट विषय पर ही, है ना। जब हमें लाइन खींचने आती होगी तभी तो मूर्ति बनाएंगे, उसी पर हम अप्लाइड आर्ट, इसको व्यावसायिक कला भी बोलते हैं। ये भी क्रॉस अभी जैसे यहाँ सुसुवाला में खुल रखा है ना, इस तरह से और भी कई जगह है। तो इनके क्या होता है, जो फाइन आर्ट कॉलेज है, ये लोग अप्लाइड आर्ट के भी कोर्स चलाते हैं। ये एक तरह से कंप्यूटर से संबंधित हो जाता है, जैसे हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो कंप्यूटर भी बीच में आ जाता है। तो आपने देखा होगा टीवी में विज्ञापन आते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बहुत सारे, तो उसमें टीवी में देखा होगा ना ऐड आते हैं, जैसे सेव आ रहा है, यारा, तो वो आर्ट उससे जुड़ी है वो, तो इसे अप्लाइड आर्ट कहते हैं। और इसका स्कोप बहुत तगड़ा आर्ट की फील्ड में। आप टीवी में बैठे सवेरे शाम तक कितने आपको ऐड मिलेंगे, सवेरे शाम हर नाटक में ऐड, हर न्यूज़ में ऐड, वो ऐड कौन बना रहे हैं? आर्टिस्ट। तो वो आर्ट का अपना एक स्कोप अप्लाइड आर्ट से शुरू होता है और उस पर इस तरह से काम होता है। तो अलग अलग है इसका, एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, ग्राफिक इस तरह से अलग होती है। और अप्लाइड आर्ट से एक और भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, मतलब कोर्स कर रखा है तो असिस्टेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो निकलती है वहाँ पर भी लग सकती है। आपने एनिमेशन होता है इसी पे आधारित कोर्स, आपने देखा होगा, आप टीवी में देखते होंगे, कार्टून वगैरह देखते होंगे, आपने छोटा भीम देखा होगा टीवी में आता, और वो छोटा भीम देखा, उसे डिजाइन किसने किया? आर्टिस्ट ने। उसका हीरो कौन है? आर्टिस्ट है। और भी बहुत सारे सीन देखेंगे आपने, और देखा होगा, आप मोबाइल चाहते होंगे, गेम्स देखते होंगे, जो एक सैनिक आ रहा है बीच में, दूसरे छुपे हुए मार रहा है, फिर रेगिस्तान आ गया, पहाड़ आ गया, मैदान आ गया, वो सब डिजाइन करके, वो सब आर्टिस्ट पे डिपेंड है। तो उसका एक अपना अलग स्कोप है कि किस तरह से वो आर्ट के करियर से, जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कहीं जाता है, कोई रेलवे में जाता है, ऐसी पढ़ाई करके हम अलग अलग उसके पार्ट होते हैं कि अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा सबको?
एक होता है नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन, उसमें बहुत सारे कोर्स करवाते हैं, जैसे फर्नीचर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टॉय डिज़ाइनिंग, एनिमेशन। अब आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़ी कंपनियां जो होती है फर्नीचर बनाती है, तो वह अपने यहाँ आर्टिस्ट को रखती है। किस आर्टिस्ट को? जिसने फर्नीचर डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया, लाखों रुपये सैलरी देते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है, जैसे हॉल है, मॉल होता है और होटल होते हैं, जब अंदर एंट्री करते हैं हम लोग, जो उसकी सजावट होती है उसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग बोलते हैं। आपने जो कंपनी आती है ड्रेस से कपड़े बनाती है, उसको भी डिज़ाइन किया जाता है। जैसे मान लो ये कपड़ा है, जैसे पहनते हैं, है ना, तो ये कपड़ा आपने देखा होगा, उसमें रंग बिरंगे होते हैं, डिज़ाइन होता है, साड़ी होती है उसमें डिज़ाइन होता है, है ना। जो बनाने वाले कपड़े बनाने वाले मिले होती है, वो एक आर्टिस्ट को रखती है कि इस पर डिज़ाइन बनाओ, काटने का डिज़ाइन बनाओ। तो मार्केट में जब कपड़ा बिकता है, तो वो इस पर कैसे बिकता है, वो उसका डिज़ाइन पसंद आता है लोगों को, अरे वाह क्या मज़ा आ रहा। वो ये नहीं देखता कि क्वालिटी क्या है, अगर हमें डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा ना, तो हम नहीं लेंगे। तो उसकी हम वो डिज़ाइन देखते हैं, तो वो डिज़ाइन कौन बनाता है? आर्टिस्ट तैयार करता है। इस तरह से आपने देखा वो गिलास कप मार्केट में आते हैं ना, नए नए डिज़ाइन क्या आ रहे हैं, तो उस तरह की जो कंपनियां जो बनाती है, वो अपने यहाँ पर एक आर्टिस्ट रखती है जो नए नए डिज़ाइन तैयार करता है कि इस तरह के कप आते हैं। खिलौने आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, बड़े छोटे बड़े बड़े डिज़ाइन के खिलौने, आप खिलौने के बहुत जाना, इतने सारे खिलौने मिलने भी प्रकार के, उसको भी एक आर्टिस्ट डिज़ाइन कर रखी। इस तरह से एक नया खिलौना आ सकता है, बच्चों को अच्छा लगेगा, पहले नहीं आते थे इतना। तो वो आर्ट पे ही सारे कोर्स हैं, और इतने कोर्स आ गए हैं डिज़ाइनिंग के, इसके अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग डिज़ाइनर बन रहे हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि इतने सारे मैंने जो कोर्स बताए अलग अलग, इतने मार्केट में कंपनियाँ आई है, तो काम बहुत है, काम की कमी नहीं है। अब फैशन डिज़ाइनर बनते हैं, वो भी आर्ट से रिलेटेड है। उसमें क्या करते हैं, वो जो फैशन डिज़ाइनर बनता है, आप उसमें वो ड्रेस बनाता है पूरी कागज़ पे, पूरी कमीज वगैरह, और उसको डिज़ाइन करता है वो, और नए नए डिज़ाइन निकालता है। तो उसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आर्ट का ही होता है। तो इस तरह से वो बनते हैं। टेक्सटाइल कंपनी में होते हैं, जो पोशाक आ रही है वो सब डिज़ाइन करते हैं। तो इसकी लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा होगा, अगर मैं फैशन डिज़ाइनर की बात करूँ, तो बड़े बड़े लोग जो है फैशन डिज़ाइन रखते हैं अपने, जैसे आपने देखा वो हीरो हैं, बड़े बड़े हीरोइन हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जो भारत के, और अपने एक स्पेशल अपने लिए एक डिज़ाइन रखते हैं फैशन डिज़ाइन, और लाखों रुपये सैलरी देते हैं। और वो फैशन डिज़ाइनर अपने वो बड़े बड़े करते हैं, और फिर कई सारे वो उसमें डिज़ाइन रखते हैं और वो काम करवाते हैं, फिर अपने अपनी मिल भी खोल लेते हैं, या अपनी शॉप खोल लेते हैं, या अपने वो दुकान खोल लेते हैं, और कुछ भी एक बिजनेस को बढ़ाते हैं। इस तरह से अपने साथ वो 50-40-50 कारीगर को और रख लेते हैं, इस तरह उसका बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। कार्टून आर्टिस्ट कार्टून बनाते हैं। आपने अभी मैं बात ही कर रहा था, टीवी में देखा होगा आपने, कार्टून वगैरह आते हैं बड़े सारे, है ना, पहले चाचा चौधरी आता था, छोटा भीम, बहुत सारे आते हैं, है ना। तो ये कार्टून वो डिज़ाइन हो रहे हैं, वो आर्टिस्ट डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है ना। और फिल्में बनती है कई, तुमने देखा होगा डायनासोर आया, वो कहाँ से अब आ तो है नहीं, तो उसको एक आर्टिस्ट तो डिज़ाइन कर रहा उन फिल्मों को सारे, उसकी अब देखो कितना पैसा कमाता है। तो कहने का मतलब है अपनी योग्यता है, कोई 10 कमा रहा, कोई 10,000 कमा रहा, 10 करोड़ कमा रहा, कोई 100 करोड़ कमा रहा, एक सिस्टम में चैन का कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचता है, यानी काम की कमी नहीं है, और तुम्हें काम बहुत है आज। कंप्यूटर डिज़ाइनिंग वर्क भी होते हैं बहुत सारे, आप कंप्यूटर डिज़ाइनिंग वर्क सीख लिया हमने, उसके हमने रिलेटेड कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, कोचिंग सेंटर खोल दिया, और वहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग खोल चला दी, ठीक है ना। इस तरह से काम किया जा सकता है। टैटू आर्ट, वो भी आर्ट पे डिपेंड है, उसका भी आजकल बहुत फैशन चल रहा, अच्छे से कारोबार चल रहा, बड़े बड़े शोरूम है उसके, मार्केट में चल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से टैटू आर्ट का भी उसमें है। और सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है इसमें, जैसे आपने देखा होगा वॉल पेंटर होते हैं, आप बैनर बोर्ड भी बनाए जाते हैं, है ना, पहले तो बहुत होता था, आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया, तो बैनर बोर्ड पर सब था, वो राइटिंग वर्क होता था, उस पर काम होता है। कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, ड्राइंग पेंटिंग, मतलब सबका अपना अपना, कोई वहाँ पहुँचता है, कोई इधर, कोई इधर, है ना। तो कोचिंग सेंटर खोल लो, ड्राइंग पेंटिंग कोचिंग चलाने, इस तरह से भी काम किया जाता है, बहुत अच्छा। मेरा एक मित्र है कोचिंग सेंटर का, वो तो बहुत अच्छे पैसा कमाता है, हमसे भी ज़्यादा कमाता है उसका पैसा। ठीक है, और कई लोग तो अपने घर पे ही शुरू कर देते हैं,
जैसे पेंटिंग चार्ट डायग्राम वगैरह बनाना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना शुरू कर दिया और उससे ही अपना थोड़ा बहुत कमा लिया। उसके लिए बड़ी सॉफ्ट लेंडी, जहाँ घर था वहीं से उन्होंने काम शुरू किया। इस तरह से लघु स्तर पर भी काम होते हैं, बड़े से बड़े काम होते हैं, ठीक है ना। अब वो आर्टिस्ट है उसको अच्छा काम आता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इतने सारे बोर्ड, इतने सारे राज्य और इतनी किताबें, करोड़ों किताबें मार्केट में। अब उसमें सामाजिक विज्ञान की किताब हो, गणित की किताब हो, हिंदी की किताब हो, उसमें आपने देखा चित्र बना होता है वो कौन बनाता है? मैगजीन होती है कॉमिक्स की, आर्टिस्ट। तो इतना अब कितनी किताबें मार्केट में, पढ़ाई की किताब भी हैं, मैगजीन भी हैं, है ना, कॉमिक्स की मैगजीन है, प्राइवेट स्तर पर भी किताबें होती हैं। तो इतनी किताबें हैं मार्केट में कि पूछो मत। यानी एक किताब में हमको काम मिला चित्र बनाने का, फिर हमें दूसरे में मिल जाएगा, फिर तीसरे में मिल जाएगा। इसलिए इंडिया में भंवर है, इतनी सारी प्रिंटिंग प्रेस है। तो कितना काम है, आप ये देखो कितनी किताबें मार्केट में, हर बोर्ड की अलग अलग निकाल के, अलग राइटर की किताबें गिनती नहीं है। तो कितना किताब है, एक आदमी ने एक किताब में काम करा, दो में करा, चार में करा, दस में करेगा, दूसरे के लिए भी काम है, तीसरे के लिए भी काम है, चौथे के लिए भी काम है, काम ही काम। लेकिन पहले हमको सीखना पड़ेगा, वो हमें आना होगा। अब देखो इतना बताया मैंने, अब देखो जो आर्टिस्ट होता है ना उसके लिए राज्यसभा में भी सीट होती है, राज्यसभा। सुना, इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। जो साहित्यकार हैं, जो वैज्ञानिक का, जो कला से संबंधित हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता, आपने देखा होगा अभी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, है ना, कोई नाम बताएगा किसी का, उनको राज्यसभा की सीट प्राप्त है। मतलब आर्टिस्ट का मतलब चाहे वो फिल्म एक्टिंग से हो, चाहे वो पेंटिंग बनाता हो, चाहे मूर्ति बनाता हो, चाहे वो साहित्यकार हो, उसकी बात हम कर रहे हैं, उसके लिए राज्यसभा में भी सीट होती है, राज्यसभा की सीट भी लेता है कार्य, ठीक है। जब वो फेमस हो जाता है, अपना नाम कमा लेता है, तो वो राज्यसभा में भी जा सकता है। इसके अलावा भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड और पद्म श्री अवार्ड भी आर्टिस्ट को मिलता है। ये अवार्ड भारत का टॉप अवार्ड है, ये जो आर्ट के क्षेत्र में दिए जाते हैं।